हेलो दे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज मी अदिति। सो कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं आ गई हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। और आज का जो वीडियो है वो होने वाला है नायका हॉल। सो आज मैं आपसे नायका हॉल शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैंने कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं नायका से बाय किए हैं मेकअप के। तो वन बाई वन करके आज मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या लिया है। इसमें कुछ मेकअप के प्रोडक्ट्स जो हैं वो न्यूली लॉन्च हैं। सो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा एंड वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एंड टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, ये है वो प्रोडक्ट्स इसमें हैं और ये मुझे इस तरह से रिसीव हुआ है। मतलब देख सकते हो आप, इसकी पैकेजिंग है वो कुछ इस तरह की है। ये मुझे नायका से रिसीव हुआ है, इस तरह देख सकते हो। सो गाइस, मैंने 3 प्रोडक्ट्स मंगाए हैं और इसमें कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो न्यूली लॉन्च हैं। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि मैंने क्या क्या मंगाया। सो चलिए पहले इसे ओपन कर लेते हैं। और मैं इसे पहले ही ओपन करके देख चुकी हूँ कि ये मतलब ठीक है या नहीं, कैसा आया है अंदर से, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है मंगाओ कुछ और आ कुछ जाता है, तो इसलिए मैंने इसे चेक कर लिया। चलिए मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ। सो ये रहा नायका का कुछ बिल था, क्योंकि ये बिल बिल है। ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में, तो ये कुछ मुझे इस तरह की बॉक्स में रिसीव हुआ है, आप देख सकते हो। और तो ये कुछ इस तरह की पैकिंग में आया हुआ है नायका से। एंड ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये साथ में ही आए हैं इसके, तो आप देख सकते हो। एंड मैंने मंगाया हुआ है ये मार्स का कंसीलर एंड ये ब्लू हेवन का फाउंडेशन। सी दिस गाइस, देख सकते हो आप। तो चलिए पहले मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ। गाइस, ये है ब्लू हेवन हाइपर मेट फाउंडेशन। सी दिस गाइस, एंड ये SPF 25 PA++ आता है, आप देख सकते हो। एंड इसमें कई सारे शेड्स अवेलेबल मिल जाते हैं और सारे ही शेड्स यहाँ पर मेंशन है, आप देख सकते हो। और आप अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग शेड चूज कर सकते हो। सी दिस गाइस, देख सकते हो आप। सो गाइस, ये ब्लू हेवन का फाउंडेशन है और ये लिक्विड फॉर्म में आता है। सो ये मैंने ऑर्डर किया है और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा प्राइस अकॉर्डिंग। इसका जो प्राइस है, MRP प्राइस है, वो है 200-250 रुपीज़। तो गाइस, इसका जो शेड नंबर है वो है 601 एंड ये 30 ml की बॉटल में आता है। मतलब 30 ml की इसका जो नेट वेट है वो 30 ml है। इसमें लिखा हुआ है कि बेस्ट यूज बिफोर 30 month। हम इसे 30 month तक यूज कर सकते हैं। गाइस, आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह के पैकेजिंग में आता है। एंड गाइस, एक बार और, मैं जो सारे ही प्रोडक्ट्स के जो सेपरेट वीडियो हैं रिव्यू के, वो मैं वन बाय वन करके अपने चैनल पर शेयर कर दूंगी, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैं सारा ही मतलब प्रोडक्ट का जो रिव्यू है वो मैं आपसे अभी शेयर नहीं करूंगी, क्योंकि अगर मैं करूंगी तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा जाएगा। एंड अभी मैं आपको इसे ट्राई करके भी नहीं दिखा पाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो फिर वन बाय वन करके अगर सबका रिव्यू दूंगी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इस वजह से। का जो शेड है वो है हनी टैन मीडियम टैन येलो, देख सकते हो आप, यहाँ पर मेंशन है। और चलिए अब इसे ओपन करके दिखा देती हूँ मैं आपको कि कैसा है। बाकी मैं एक इसका सेपरेट वीडियो बना दूंगी, तो आप वो चेक कर लीजिएगा। सी दिस गाइस, ये कुछ इस तरह की बॉटल में आता है, आप देख सकते हो। एंड यहाँ पर भी ब्लू हेवन मेंशन है। और इसका ये जो शेड है ये बहुत ही ज़्यादा मुझे अपने स्किन टोन से काफ़ी मैच करता हुआ दिख रहा है। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो आप वहाँ से जाके कर सकते हो। सबसे अच्छी बात मुझे ब्लू हेवन की ये लगी कि इसमें सारे ही शेड्स अवेलेबल हैं आपकी स्किन टोन के अकॉर्डिंग। जो भी आपके स्किन टोन से मैच करे वो शेड आप ले सकते हो इसमें से। सो सी दिस गाइस, देख सकते हो। सबसे अच्छी चीज़ मुझे इसकी ये लगी, काफ़ी अच्छा है ये। तो इसका मैं जो फाइनल रिव्यू वीडियो है वो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगी, तो आप उसका फुल रिव्यू वीडियो चेक कर लीजिएगा। तो सो ये था हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट जो हमने नायका से लिया था। ओके गाइस, तो अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये मार्स का न्यूली लॉन्च कंसीलर। सी दिस गाइस, और ये कुछ इस तरह का है, आप देख सकते हो। इसमें लिखा हुआ है कंसील कंसीलर और इसका जो शेड नंबर है वो है 07, जो कि यहाँ पर मेंशन है, आप देख सकते हो अगर आपको अच्छे से विजिबल हो रहा हो तो। इसका जो नेम है वो है कैरेमल चार्म, यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर मेंशन है, यहाँ पर लिखा हुआ इसका जो नेम है। इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो है 4 ईयर की, तो हम इसे 4 ईयर तक ईजिली यूज़ कर सकते हैं। इसका जो नेट वेट है वो है 6 ml,
ये 6 ml में आता है। इसका जो प्राइस है वो है 249 rupees का। तो ये 249 rupees का इसका MRP है, इसका जो MRP है वो 249 rupees का है। बट ये मुझे नायका से मिला था ओनली, एक मिनट मैं चेक करके बताती हूँ, ये मुझे नायका से ओनली 229 rupees का मिला था। इसमें बहुत सारे शेड्स अवेलेबल हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेड ले सकते हो। तो अभी मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। ये कुछ इस तरह के बॉक्स में आता है, आप देख सकते हो आउटर पैकेजिंग में ये कुछ इस तरह का है। एंड अब इसकी इनर पैकेजिंग चेक कर लेते हैं कैसी है। देख सकते हो आप यहाँ पर इसका शेड नंबर मेंशन है 07, सी दिस गाइस। एंड ये रहा कुछ इस तरह से, यहाँ पर लिखा हुआ है मार्स कंसिल कंसिलर, देख सकते हो आप यहाँ पर मेंशन है। और इसका ये जो शेड है ये मुझे थोड़ा सा अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डार्क लग रहा है, बट कोई नहीं, इसे हम एज अ फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं। इसका शेड देख लो आप, और इसका जो टेक्सचर है वो ना बहुत ज़्यादा ही थिक है, इसका शेड जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क है, पर कोई नहीं, सी दिस गाइस। ये मतलब इतनी इजीली ब्लेंड हो गया, और ये थोड़ा सा थिक सा है, सी दिस, और ये काफी स्किन टोन से मैच कर रहा है मेरे, पर थोड़ा सा डार्क है। तो प्राइस के अकॉर्डिंग मार्स ने बहुत ही ज्यादा अच्छा कंसीलर निकाला है। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट आप देख सकते हैं इस बॉक्स में आया हुआ है, और इसे हम ओपन कर लेते हैं, सी दिस गाइस। गाइस दिस इज इनसाइड कॉस्मेटिक न्यूली लॉन्च ब्लश। तो ये है बेक्ड डालिया रोज, इसका जो शेड है वो बेक्ड डालिया रोज है। तो देख सकते हो आप, ये न्यूली लॉन्च था, तो मैंने सोचा इसे जल्दी से बाय कर लेती हूँ मैं। आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है, सी दिस गाइस। एंड बैक साइड में इसके बारे में दिया हुआ है, इसका भी मैं सेपरेट वीडियो अपने चैनल पर ले आऊंगी बहुत जल्द। तो आप इसका जो सेपरेट रिव्यू वीडियो है वो आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसका जो प्राइस है वो है 171 rupees का। सो ये 171 rupees का है, एंड इसमें हमें 15 ग्राम का प्रोडक्ट मिल जाता है, देख सकते हो आप। इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो 3 इयर्स की है, तो हम इसे 3 इयर्स तक यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसे ओपन करके दिखा देती हूँ कि ये कैसा है। तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। अगर मैं इस वीडियो में आपको इसका फुल रिव्यू दूंगी तो ये बहुत लंबा जाएगा। तो आप देख सकते हो ये इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह की है, एंड ये बेक्ड ब्लश है, डालिया रोज इसका शेड है, और ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में देख सकते हो आप। ये ऐसा कुछ बॉक्स मिला हुआ है हमें कार्डबोर्ड का, सीधे उसके साथ में आया है। एंड इसका शेड नंबर जो है वो है 05, जो कि यहाँ पर मेंशन है, आई थिंक आपको अच्छे से विजिबल हो रहा हो। तो इसका शेड नंबर 05 है, बैक साइड में मेंशन है, एंड सी दिस गाइस। इसकी जो पैकेजिंग है, आई लव दिस यार, इनसाइड कॉस्मेटिक ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा मतलब ये ब्लश दिया हुआ है, देख सकते हो आप, ये कुछ इस तरह का है। इसका जो स्वॉच है वो मैं हैंड पे अप्लाई करके दिखा देती हूँ, सी दिस कितना ज़्यादा पिगमेंटेड है, और इसका शेड कितना ज़्यादा अच्छा है। तो आप देख सकते हो इसका शेड, वाओ अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा लाइट सा है और शिमरी टाइप का है, सी दिस, आई लव दिस। एंड सारे ही प्रोडक्ट्स के जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से आके बाय कर लीजिए। सो इनसाइड कॉस्मेटिक का जो ये न्यूली ब्लश है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया, और मतलब इसका शेड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और इसकी जो पैकेजिंग आई है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, आप देख सकते हो। एंड गाइस सबसे अच्छी बात यह है कि ये काफ़ी ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली है, एंड बजट फ्रेंडली भी है। काफ़ी अच्छे प्राइस में इनसाइड कॉस्मेटिक ने ये ब्लश लॉन्च किया है, आई लव दिस। या सो गाइस ये थे वो सारे ही प्रोडक्ट जो मैंने नायका से ऑर्डर किए थे। तो मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया है, तो कुछ आपकी भी हेल्प होगी। अगर आप इनमें से कोई भी प्रोडक्ट बाय करना चाहते हो तो आप इजीली जाके मेरे लिंक से जाके आप ले सकते हो।
जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे रखा है, तो वहां से जाके आप इसे बाय कर सकते हो। गाइस ये था मेरा छोटा सा हॉल वीडियो, तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो में लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।